Hi students, hearty welcome to all of you again. Today I am going to deal a hymn to God the Father. This is a wonderful poem, a metaphysical poem by John Donne. आज हम लोग a hymn to God the Father पढ़ने वाले हैं, जो कि एक धार्मिक कविता है, बहुत ही मार्मिक कविता भी है. Now let us see a critical appreciation of the poem. हमें आंसर में कैसे लिखना है? इसे देखिए. A Hymn to God the Father, also titled to Christ, is a poem of English poet of the 17th century called the Father of Metaphysical Poetry and clergyman John Donne, born in 1573 and died in 1631. A Hymn to God the Father जो है, जिसका दूसरा title to Christ है, वह एक अंग्रेजी कवि जो 17वीं शताब्दी के metaphysical poetry के पिता कहलाते हैं और एक clergyman थे, यानी चर्च के पादरी थे. जॉन डन जिनका नाम था, जिनका जन्म 1573 में हुआ और उनकी मृत्यु 1631 में हुई, उनके द्वारा लिखा गया है. इट इज वन ऑफ हिज डिवाइन पोएम्स अबाउट गॉड एंड रिलीजन. यह उनकी कविताओं में से एक कविता है जो कि डिवाइन पोएम्स कहलाती है, धार्मिक कविता है जो कि भगवान और धर्म के बारे में है. इट कंटेन्स हिज प्रेयर्स. इसमें आप देखेंगे कि वो प्रार्थना कर रहे हैं दैट ही शुड बी फॉरगिवन अ सीरीज ऑफ अननेम्ड सेंट्स that he has committed knowingly or unknowingly. और उन्होंने अपने उन पापों की गिनती करवाई है जिनका नाम देना मुश्किल है, जो उन्होंने जानबूझकर या अनजाने में किया है. In A Hymn to God the Father, the speaker begins by asking God an important heartfelt question. A Hymn to God the Father जो है, उसमें कवि जो हैं वो प्रश्नों से शुरुआत करते हैं और जो हृदय से उठने वाले प्रश्न हैं वो भगवान से पूछते हैं, गॉड से पूछते हैं. He wants to know whether God is going to forgive the sins of the world. वे पूछते हैं और वो जानना चाहते हैं कि भगवान क्या उनके पापों को और उनके दुनिया में जो पाप हो रहे हैं उनको माफ करेंगे कि नहीं. These are the things for which all of humanity suffers, but which he was not a part of. और ये वही सारे पाप हैं जिसके कारण पूरी मानवता सफर कर रही है और जिसके वे भाग भी नहीं रहे, यानी कि वे पाप उन्होंने नहीं किए हैं. फिर भी द स्पीकर मेक्स श्योर सेइंग दैट दे वर डन बिफोर ही वॉज बॉर्न, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ही इज ऑन द अर्थ ही इज द पार्ट ऑफ इट. लेकिन कवि जो है इस बात को मेक श्योर करते हैं, श्योर करवाते हैं कि जो भी पाप किए गए हैं वो उनके जन्म के पहले भी हैं और अनफॉर्चुनेटली चूंकि वो इसी पृथ्वी पर रहते हैं और वे इसका भाग हैं, तो वे इससे बचकर नहीं रह सकते. फर्दर द पोएट सेज that he is not without sin. आगे कवि कहते हैं कि वह खुद भी पापों से दूर नहीं है. ठीक है, he is not without sin himself. He might be separate from the larger sins of the world, but that doesn't mean he is pure. हो सकता है कि उन्होंने अपने आप को पाप से दूर रखा है, बड़े पापों से दूर रखा है, लेकिन वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, प्योर नहीं है. In fact, he states that over and over he is running through sin. और वे इस बात को स्वीकारते हैं कि वो बार बार पाप से गुजरते रहे हैं, पाप करते रहे हैं. ही इज अनेबल टू स्केप हिज ओन सिंस विच इज रिफ्लेक्टेड इन द रिपीटेटिव लाइन्स ऑफ वर्ड्स. और उनके जो पाप हैं वो करने के दौरान वो बचने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उनके रिपीटेटिव लाइन से, कविता में जो बार बार रिपीट करते से पता चलता है कि उन्होंने कितने पाप किए हैं, आप माफ करें ना करें, लेकिन मेरे पास तो बहुत सारे पाप हैं. द यूज ऑफ द सेम वर्ड्स एट द बिगिनिंग ऑफ लाइन्स such as wilt thou forgive that sin in lines 1 and 3 is known as anaphora which enhance its song like qualities. isme jo lines mein aap dekh rahe hain ki wilt thou forgive that sin bar bar kaha ja raha hai, ise use of anaphora kehte hain aur yah geet jaisi qualities is kavita mein deti hai. the repetition is also reminiscent of the structure of the prayer aur yah ek structure jo hai वो प्रेयर के फॉर्म में सामने आता है. द पोएट सेज दैट गॉड नोज हिज कमिटेड सिन इज नॉट डन बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बी अ सिनर. कवि इस बात को भी स्वीकारता है कि जो गलतियां उन्होंने की है, जो पाप उन्होंने किए हैं, वो जानबूझकर नहीं किए हैं और वो करना भी नहीं चाहते थे और ना वो पापी बनना चाहते थे. ही डिप्लोर्स, वे रोते हैं और पश्चाताप करते हैं हिज ओन एक्शंस, बट ही इज अनेबल टू स्टॉप. वे इस पाप से बचना चाहते हैं लेकिन फिर भी बच नहीं पाते. देन अगेन ही टेल्स गॉड दैट व्हेन ही फिनिशेस हेल्पिंग एंड फॉरगिविंग सिंस देयर विल बी मोर टू डू.
वे कहते हैं कि यद्यपि कि उसके पाप भगवान माफ़ करते भी जाएं, तब भी इनके पास बहुत सारे हैं और भी पाप होंगे जिन्हें उन्हें माफ़ करना होगा. His sins and those of the world go on indefinitely. और उनके पाप और ये संसार में चल रहे अनंत पाप जो हैं वो चलते ही रहेंगे, इसलिए उनके पापों की संख्या बहुत अधिक है और भगवान उन्हें माफ़ करे, ऐसा वे प्रे करते हैं. In the next stanza, he begins with the same phrase, "Wilt thou forgive that sin?" This time, the question ends with the revelation that the speaker has forced others into sin. अगले stanza में कवि जो है फिर से शुरू करते हैं और कहते हैं कि मैंने दूसरे लोगों को भी पाप करने पर उकसाया होगा, क्या उस गलतियों को, उन पापों को आप माफ करें? It is unclear what kind of sin he means, but it was made their door. और वो नहीं जानते हैं कि उन्होंने ऐसा कैसे कर लिया और कैसे वह दूसरे तक इस पाप को पहुंचाते हैं, वो नहीं जानते हैं, ये क्लियर नहीं है. फिर भी ही क्रिएटेड द अपॉर्चुनिटी और द डोर फॉर देम टू वॉक थ्रू. शायद उन्होंने किसी को प्रेरित कर दिया हो पाप करने के लिए, या किसी गलती के कारण लोगों ने पाप कर लिया हो इनके कहने पर. मेकिंग इट ईजियर फॉर देम टू गो अगेंस्ट गॉड देन इट हैड बीन प्रीवियसली. हो सकता है मैंने किसी को सही रास्ते से भटकाने की कोशिश की हो और मैंने गॉड के अगेंस्ट कर दिया उन्हें, तो ये जो पाप मैंने किया है क्या उसे आप माफ करेंगे? तो वंस अगेन द पोएट इज आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस. फर्दर द पोएट सेज ही नेवर मीन्स टू डू हार्म टू एनीवनस लाइफ. वे किसी के जीवन को हानि पहुंचाना नहीं चाहते हैं और ना ही कभी ऐसा सोच भी रखा. बाय लीडिंग देम टू सिन, और ना ही उन्हें पाप करने के लिए प्रेरित किया. एंड दैट ही वुड लाइक टू बी फॉरगिवन फॉर इट. और अगर ऐसा हुआ हो तो उसके लिए भी वो माफ़ी चाहते हैं. ऑल दो ही इज आस्किंग टू बी फॉरगिवन, यद्यपि कि वो माफ़ी मांग भी रहे हैं. ही कांट हेल्प एडमिटिंग द लेंथ्स ही वेंट टू इन ऑर्डर टू एंजॉय हिज ओन सिंस. जो गलतियां उन्होंने की, जो पाप उन्होंने किया, जिसको उन्होंने एंजॉय किया करने में. ही टेल्स गॉड हाउ ही वैलोड इन द सिन फॉर अ स्कोर. वे कैसे पापों में लिप्त रहे, कैसे पापों की संख्या बढ़ती चली गई. दिस वास्टली ओवरशैडोज द मीगर ईयर और टू ही स्पेंट शनिंग हिज सिन. कैसे वह पाप से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करते हैं, साल भर या दो साल तक भी वो दूर रहना चाहे इन पापों से. द स्टैंजा कंक्लूड्स विद द सेम टू लाइन रिफ्रेन इनफॉर्मिंग गॉड दैट ही इजंट फिनिश्ड फॉरगिविंग सिंस येट, देयर आर स्टिल मेनी मोर टू कम. और अंतिम स्टैंजा में कंक्लूड करते हुए कहते हैं, जिसमें रिफ्रेन का यूज किया गया है, बार बार वो रिपीट कर रहे हैं और वो भगवान को बताना चाह रहे हैं कि अभी भी उसके पाप खत्म नहीं हुए हैं, अभी भी बहुत सारे पाप करते ही जा रहे हैं वे, और जिन्हें वह चाहते हैं कि भगवान माफ कर दे. द फाइनल स्टैंजा ऑफ अ हिम टू गॉड द फादर, ही टेल्स दैट ही इज अफ्रेड दैट ही इज गोइंग टू डाई बिफोर ऑल ऑफ हिज सिंस आर फॉरगिवन. और अंतिम स्टैंजा में कवि फिर से प्रार्थना करते हैं कि वे मरने वाले हैं और उसके सारे पाप अभी भी उसके साथ हैं. दे आर सो न्यूमरस दैट ही मे पेरिश ऑन द शोर. और वे कहते हैं कि इतनी संख्या है कि शायद उनके मौत के बाद भी ये पाप उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे. बिफोर गॉड गेट्स देम ऑल, जब तक कि भगवान उनके पापों को माफ न कर दे. द रेफरेंस टू द शोर इज एन इम्पॉर्टेंट वन. यहाँ जो शोर बताया गया है इसका बहुत महत्व है. किनारा, जिसका अर्थ होता है किसी नदी या समुद्र का किनारा, उसको शोर कहते हैं हम लोग. ही डज नॉट एंड अप इन हेवन और हेल बट इन द स्पेस बिटवीन लिम्बो. वे कहते हैं ना वो स्वर्ग में जाएंगे ना नरक में जाएंगे, बल्कि लिम्बो एक ऐसी जगह है जो स्वर्ग और नरक के बीच में है, वैसे जगह में फंस जाएंगे. दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो इन हिज माइंड. और इस तरह की सोच कवि के दिमाग में यहाँ चल रही है. फाइनली द पोएट आस्क्स गॉड इफ जीसस His son will be able to shine on him now. Jesus's presence is a symbol of God's complete forgiveness. वे अंततः कवि से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, अगर उनका बेटा अर्थात जीसस क्राइस्ट आ जाए तभी उनके पापों को माफी मिल सकती है और उन्हें complete forgiveness प्राप्त हो सकती है. It would allow the speaker to take in some of his shine and stop sinning. और शायद उनके तेज और उनके तेज के कारण उनके पाप का करना रुक जाए इस पृथ्वी पर और उनके जीवन में भी. द फाइनल लाइन्स आर अ बिट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द प्रीवियस टू रिफ्रेंस. पहले के कुछ लाइनों से जो अंतिम लाइन है बिल्कुल अलग हैं,
The final stanza ends with the speaker stating that he does not fear anymore. अब वो कहते हैं अगर ऐसा हो गया, अगर जीसस क्राइस्ट आकर उनके पापों को माफ कर देते हैं तो इन्हें अब किसी बात का डर नहीं होगा. With Jesus there to reassure and prove him, his sins are no longer increasing, he is forgiven. और वे मानते हैं कि अगर जीसस ऐसा कर देते हैं तो अब उसके पाप नहीं बढ़ेंगे और उनके पापों की क्षमा उनको मिल जाएगी. Now let us see the diction and meter in this poem. This is a three stanza poem that is divided into sets of six lines or sestets with a light musical quality to it, which can be found in most of Donne's work. यह जो कविता है three stanza में है और six lines के sets में बटा हुआ, जिसको हम लोग sestet भी कहते हैं. इसमें light musical quality देखने को मिलती है और जो कि Donne के work में अक्सर देखा गया है, यानी John Donne के work में अक्सर देखा गया है. The lines follow a pattern of ए बी ए बी ए बी राइम स्कीम, और इसमें राइमिंग स्कीम जो है ए बी ए बी ए बी के फॉर्म में है, विदाउट एनी अल्टरेशन इन एंड साउंड्स बिटवीन द स्टैंजास. और स्टैंजास के बीच में जो है वो साउंड का अल्टरेशन भी नहीं हुआ है. वी नोटिस द रिपीटेशन इन द टेक्स्ट, हम लोग रिपीटेशन ऑफ द टेक्स्ट भी देखते हैं जिसमें बार बार रिपीट भी किया गया, आप देख सकते हैं. दिस टू एड्स टू द फीलिंग दैट दिस इज अ सॉन्ग विथ वर्सेज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन रिगार्ड्स टू रिपीटेशन रेफरेंस एंड एनाफोरा. तो आप देख सकते हैं कि इस सॉन्ग में वर्स जैसी क्वालिटी डाली गई है और रिपीटेशन है, रेफरेंस है, एनाफोरा है, जिसके कारण म्यूजिकल क्वालिटी आप देख सकते हैं इसमें. द मीटर यूज्ड इज इन आयम्बिक पेंटामीटर, इसमें जो मीटर यूज किया गया है वो आयम्बिक पेंटामीटर यूज किया गया है, यानी दिस मीन्स दैट द मेजॉरिटी ऑफ द लाइन्स कंटेन फाइव सेट्स ऑफ टू बीट्स. ये फाइव सेट का होता है और टू बीट्स इसमें होते हैं, ऐसा इसमें म्यूजिकल क्वालिटी डाला गया है, इसमें ऐसे मीटर का यूज किया गया है. द फर्स्ट ऑफ दीज इज अनस्ट्रेस्ड एंड द सेकेंड स्ट्रेस्ड, जिसमें आयम्बिक में ऐसा ही होता है, पहला अनस्ट्रेस्ड होता है जिसको फॉलो करता है स्ट्रेस्ड. तो इस तरीके से इसे आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है. सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो कीप ऑन वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक्स अ लॉट अगेन, हैव अ गुड डे, बाय बाय.